अभी हम कोविड टीका केंद्र पर मौजूद हैं, जहां बिहार के स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे खुद केंद्रों का जायजा ले रहे हैं। आइए हम सर से जानते हैं, ये 60 से अधिक उम्र वालों को जो बूस्टर डोज मिलेगा, ये बूस्टर डोज है क्या? नहीं, 60 वर्ष से ऊपर के वैसे लोग जिनको कुछ अन्य बीमारियां हैं उनको, हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको, और जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको, इन सभी लोगों को आज से टीका का प्रिकॉशनरी डोज, मतलब जिसे बूस्टर डोज कहते हैं, वो दिया जा रहा है। पूरे देश में यह अभियान शुरू हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की देखरेख में यह अभियान शुरू हुआ है। बिहार में भी ये शुरू हुआ है और आज मैं केंद्रों पर जाकर देख रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत उत्साह है, लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं और 15 से 18 वर्ष के बच्चे भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। तो जो कोरोना के खिलाफ हमको लड़ाई लड़नी है, उसमें टीकाकरण का बहुत महत्व है और ये बहुत बड़ी ताकत होगी जो हम कोरोना को पराजित कर पाएंगे। तो लोगों में जागरूकता भी बहुत आ गया है, लोग पूरी उत्साह के साथ केंद्रों पर आ रहे हैं और हम इस टीकाकरण के बल पे कोरोना को पराजित करने में सफल होंगे। धन्यवाद। जी मैम, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम शिल्पी है। और आप यहाँ पे सारी मैनेजमेंट संभाल रही हैं मैम, तो क्या व्यवस्था है अभी यहाँ टीका केंद्र पर? ये टीका केंद्र सबसे पहले तो 24x7 टीका केंद्र है और यहाँ पे हम लोगों ने जो 60+ के जो लोग हम आ रहे हैं यहाँ पे, उनके लिए बाहर व्यवस्था कराई है अलग से डेडिकेटेड काउंटर्स। उसके अलावे जो लोग हैंडीकैप्ड है, जो लोग बहुत बुज़ुर्ग हैं, जो लोग चल नहीं सकते, उनके लिए ड्राइव थ्रू की व्यवस्था कराई है, जो बाहर उनको गाड़ियों में ही लग जाएगा, वैक्सीन प्लस रजिस्ट्रेशन दोनों ही हो जाएगा। उसके अलावे अंदर में हम लोगों ने यहाँ पर अलग अलग काउंटर्स बनाए हैं, जो 15 से 18 के बच्चे हैं और 18+ के जो भी हैं उनके लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन काउंटर से डेडिकेटेड, और अंदर वैक्सीनेशन के लिए भी काउंटर हम लोगों ने अलग अलग कराया है। इसके अलावा फ्रंटलाइन वर्कर और हेल्थ केयर वर्कर के लिए भी अलग डेडिकेटेड काउंटर्स हम लोगों ने आज बनाए हैं। और मैम, वैक्सीन जो हैं वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं? यस, हमारे पास अभी वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही उपलब्ध हैं। जिनको जो वैक्सीन चाहिए वो उनको यहाँ पे ऑन स्पॉट और ऑनलाइन दोनों ही तरीके से यहाँ पे दिया जाएगा। मैम, आपके जायजे में क्या लगता है कि पहली या दूसरी लहर में टीका लेने वालों की संख्या ज़्यादा थी या फिर तीसरी लहर में टीका लेने वालों की संख्या बढ़ी है? देखिए, आप अगर देखेंगे डेटा को तो ऑलमोस्ट लोग कंप्लीट हो चुके हैं। हाँ, लेकिन ये बोले कि जिन्होंने नहीं लिया था या जो इग्नोर कर रहे थे, टाल रहे थे, कल लेंगे परसों लेंगे, वो लोग तीसरी लहर आने के बाद से घर से निकल कर आ रहे हैं और टीका ले रहे हैं। इसके अलावा 15+ वालों जो वैक्सीन आया है वो बच्चे आ रहे हैं और 60 वालों का तो उत्साह देखने बनता है, वो तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लेवल के साथ हमारे पास आ रहे हैं, हम लोग भी काफ़ी मोटिवेट हो रहे हैं उन्हीं से। मैम, अभी भी लेकिन कुछ लोग हैं जो किसी ना किसी डर की वजह से टीका लेने से कतरा रहे हैं, तो आप उन लोगों से क्या अपील करना चाहेंगी? मैं तो बस ये बोलूँगी कि अब आप खुद ही देख लीजिए, जो 15 साल के बच्चे हैं वो वैक्सीन ले रहे हैं, उनसे ज़्यादा डर किसको लगता है चुई से? अगर उनको इंजेक्शन से डर नहीं लग रहा है, आप आइए यहाँ पे, हमारे पास डॉक्टर्स हैं। अगर आपको किसी भी तरह का डर है, आप पहले काउंसलिंग आपकी हो जाएगी, आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो जाइए, आपको लगे कि आप बिल्कुल सुरक्षित जगह आए हैं और आपको कुछ नहीं होगा, तो आप वैक्सीन लीजिए। मैम, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि सरकार वैक्सीन दे रही है लेकिन वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना हो रहा है, तो उनके अंदर ये सवाल है कि अगर वैक्सीन लेने से भी कोरोना हो रहा है तो वैक्सीन लेने की फिर ज़रूरत क्या है? देखिए, आप एक चीज़ देखिए, हम भी वैक्सीन लिए, आप भी वैक्सीन लिए, लेकिन बात ये होता है क्या कि आप वैक्सीन लेने के बाद उन प्रोटोकॉल्स को भूल जा रहे हैं जो सरकार ने कहा है। शायद हम इस बात को ध्यान दे रहे हैं कि वैक्सीन लेना है वो हमको बचाएगा, लेकिन सरकार एक और बात भी कह रही है कि वैक्सीन लेने के साथ साथ आप सुरक्षा के उन 3 नियमों का पालन ज़रूर करें, आप मास्क पहने, आप जो डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें और आप प्रॉपर हैंड वॉशिंग करें। तो ये चीज़ अगर आप नहीं कर रहे हैं तो सुरक्षा कवच तो टूटेगा ही ना। कौन सा डोज है ये आपका? फर्स्ट डोज है। कौन सी वैक्सीन ली आपने? को वैक्सीन। अगर आप फेसबुक पे हैं तो पेज को लाइक करें, और आप अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।